मेडिसिन कहीं और मिलती भी नहीं है। अच्छा। वो एरिया वाइज एक सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर होता है। तो बिजनेस, डॉक्टरी एक बिजनेस बन चुका है, डॉक्टर ने यूँ समझ लो। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है, आपको आटा दाल चीनी लेनी है, आपने अपनी मर्जी से लेनी है, दो किलो ले लो, तीन किलो, ये तो ऐसा गड़बड़ वाला मामला है कि जो डॉक्टर ने कहा है आपको वही लेना है, जितने का है उतने का ही लेना है। इस आप आटा लेंगी तो आपने जीत जाएंगे, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक, दूसरों के साथ शेयर, एक काम तो जरूरी करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है फोर्टिस स्टोरी पाकिस्तानी पेशेंट्स, से स्टार्ट करते हैं वीडियो। हॉस्पिटल का नाम है, मेरा नाम तारिक नज़ीर रांझा है, मैं पाकिस्तान से हूँ। तारिक नज़ीर पाकिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, वहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरे चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे दो बेटियाँ हैं। आज से तकरीबन 10-12 साल पहले एक दोस्त को ब्लड की ज़रूरत पड़ी, कि एमरजेंसी थी उनकी, तो मैं ब्लड के लिए गया। तो आफ्टर टेस्ट ये डिक्लेयर हुआ कि मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज हूँ। अच्छा, ब्लड देना क्या होता है? सी वायरस इज़ अ वायरस विच स्लोली किल्स द लिवर। इट अफेक्ट्स द लिवर इन अ वे दैट इन ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स इट कॉजेज अ क्रॉनिक लिवर डिजीज़ विद इट्स कॉम्प्लिकेशंस। सबसे पहले जब इनकी बीमारी का मुझे पता चला तो मैं तो अंदर से मतलब है कि बहुत ही मायूस हो गई कि अब मेरा क्या बनेगा। फिर आस्ता आस्ता ये इनकी बीमारी बढ़ती गई, मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे सब कहते थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे इतना मायूस किया, क्या बताऊँ मैं आपको। उसने तो कहा कि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। 2006-07 उसमें मुझे ब्लड वॉमिटिंग हुआ, तो उसमें फिर डॉक्टर्स के पास गया, मेरी एंडोस्कोपी हुई, तो डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि अब आप डेंजरस जोन में आ गए हैं। जुलाई में मुझे दोबारा जो है वो वॉमिट आउट हुआ ब्लड, और दैट इज़ वेरी सीरियस कंडीशन। जब घर आए तो हमने बताया नहीं है कि इनके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि ये बीमार हैं, इनको पता चला तो वो टेंशन में आएंगे, टेंशन और वो ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। लेकिन क्या करते, बताना तो था। वालदा मेरी चीज़ नियर अबाउट 75 to 80, मुझे गले लग गए, रोना शुरू कर दिया। वालद साहब जो हैं वो भी ऐसे हैं, सॉरी, इसी दौरान मुझे एक दोस्त मिले, वो भतीजे के हवाले सांसद से, उन्होंने मुझे बताया कि आप किसी और हॉस्पिटल का सोचें ही ना, एक तो जाना है ना, आप सोचें भी ना, आप फोर्टीज जाइए, केयरिंग है। अच्छा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल सेहतमंद होकर वापस आएंगे। और फोर्टीज के हमने दो तीन मरीज भी थे जो इधर से करवा के गए थे ट्रांसप्लांट, उनसे हमने चेक भी करवाया, उन्हें हम मिले भी, उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट एज सच इज़ अ वेरी बिग सर्जरी, इट्स अ मेजर अंडरटेकिंग, इट्स अ सुपरा मेजर सर्जरी, एंड दिस सर्जरी टेक समवेयर अराउंड 10 to 16 आवर्स डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ केस। एंड इफ वी परफॉर्म 100 सच केसेस, देर आर 2 or 3 केसेस विच विल नॉट सक्सीड इन दोज केसेज बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। जब डॉक्टर ने कहा कि डोनर को अरेंज करें, तो सबसे बड़ा मसला था डोनर को अरेंज करना। डेफिनेटली डोनर के लिए बहुत सारी होती हैं कंडीशंस, होती हैं एज फैक्टर होता है, वेट का होता है कि उसका ज़्यादा वेट ना हो, लीवर की कंडीशन होती हैं कि छोटा साइज़ ना हो, उसके अंदर फैट्स ना हो। मेरे से पहले मेरी बड़ी फूफा, उन्होंने बोला कि मैं लीवर डोनेट करूँगी, लेकिन उनका जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका लीवर फैटी आ गया था। उसके बाद फिर मेरा खुद ही डिसीजन था मैं अपने फादर के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे फादर ने मेरी ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी की, जो चाहा वो मुझे। अच्छा, जैसे भी अगर वो तंग भी है ठीक,
डॉक्यूमेंट किया, मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो इस वजह से फिर मेरा खुद का डिसीजन ये था कि मैं ही दूंगा। ही इज़ ब्रेव मैन, रियली ब्रेव मैन। कि जब ऑपरेशन थिएटर में वो मुझसे पहले उसे ले गया तो जाते हुए मुझे कहता है, बाबा घबराना नहीं है, अल्लाह ठीक करेगा। We performed this surgery about 2 weeks back. बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। And after surgery took about 14 hours to complete, and it was uneventful surgery. During operation theater, he didn't even get more than 2 blood transfusions, which is a wonderful piece of surgery. And after that, he was shifted to liver transplant ICU, where he was taken care of in the initial time for about 5 to 6 days. He didn't develop any major complication during that period because of advanced technology, good drugs and good care by Fortis Healthcare. You are able to achieve very good result in this patient without any complications. Har ek kehta main keh raha hu zarre se zarra jo hai na liver plant ke unit ka zabardast. Dr. Vivek saab hain, thorough gentleman, kya baat. और वो जब टैब करते हैं, थापड़ा देते हैं, क्या बात, मज़ा आ जाता है। आधी तो वहीं बीमारी ख़त्म हो जाती है, हर वक्त आपके पास तो वहीं बीमारी ख़त्म हो जाती है। मुझे लीनी ने अपने हाथ से खाना खिलाया है, अपने हाथ से नाश्ता कराया है, ये तो फिर माँ की गोद वाली बात है, इससे बड़ी बात और नहीं होगी। कैसे सब बहुत फ्रेंडली हैं, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी और कंट्री में हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई है कि हमारे वहाँ पे नहीं इतना जितना यहाँ पे मुझे खुशी हुई है। मैं बहुत मायूस कर दिया था, बिल्कुल मायूस कर दिया था कि स्पेशली इंटरनेशनल डेस्क का। मुझे एक दिन भी किसी बिलिंग के मसले में, किसी और पैसे के मसले में मुझे कभी भी परेशानी नहीं हुई। और ख़ास तौर पर जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर डाला, ये रास्ता दिखाया, क्रॉनवेल, सारे पेपर्स उन्होंने खुद तैयार किए, मुझे फैक्स करते रहे हर चीज़, मुझे ईमेल करते रहे अपने खर्चे पे। इवन मुझे कहा कि आप पासपोर्ट भिजवा सकते हैं तो भिजवा दें। मैंने पासपोर्ट भिजवाए, मैं खुद भी नहीं गया वीज़ा लगवाने, और मुझे वीज़ा लग के मेरे घर पासपोर्ट आया। अल्लाह ताला तो उन्हें इसी तरह लोगों की खिदमत करने की और बेहतरी लाने में इसमें मदद। आला, बहुत आला जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग यार। लेकिन क्या सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हुई कि उनके बेटा सामने आया, मैं डोनेट करूँगा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मैं पापा के काम आऊँगा, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मैं कहती हूँ ये होती है तबीयत, ये होते हैं वो औलादें जो उम्र भर भी अपने पेरेंट्स का अगर एहसान उतारना चाहें तो नहीं उतार सकते। बहुत बड़ी बात है, आप सोचें तो सही कि आप अपने जिस्म का एक टुकड़ा दे दें किसी को, कभी सोच भी सकते हैं हम? बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, जिसकी कोई मतलब मैं कहता हूँ कि मिसालें नहीं मिलती। अच्छा, दूसरा ये भी कहूँगी कि यहाँ क्या देखा उन्होंने बिहेवियर, बिल्कुल बहुत अच्छा। बैड बिहेवियर कि कुछ तो हो ही नहीं सकता, अब आगे तो कोई चांसेस ही नहीं है। मतलब एक तो वैसे ही बंदा मर रहा है, ऊपर से आप उसको हिम्मत देने के बजाय, हौसला देने के बजाय ऐसे कलमात बोल देते हैं अगर डॉक्टर्स, तो वो कल का मरता आज ही मर जाता। अच्छा ठीक है, डिज़ीज़ ऐसी है, उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, जब पड़ोस में इलाज हो रहा है तो इसका मतलब है इलाज है। लेकिन वो उससे ये तो कहें कि हमारे यहाँ नहीं है, या हम नहीं कर सकते, या हमारे अंदर इतनी एबिलिटी। आपको पता है, बेशक उसने अगर वो नहीं जाता, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आज नहीं कल नहीं आज नहीं कल उसकी डेथ होती। लेकिन अल्लाह के बंदो, मैं यहाँ के डॉक्टरों से मुखातिब हूँ, कम से कम किसी को ये तो कहो कि हमारे इस गांव में, हमारे इस जंगल में अगर इलाज नहीं है, या हम नहीं कर पा रहे, या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है या आपके पास कोई सोर्सेज हैं, तो दुनिया में कहीं और जगहों पे ये हो सकता है, यानी कि मुमकिन है। हमारी मतलब हम इतने एलिजिबल नहीं हैं कि हम। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, क्या एक आम बंदे को पता था जिन्होंने उनको गाइड किया कि आप यहाँ जाएँ, तो क्या यहाँ के डॉक्टर्स को नहीं पता था, या पता नहीं होगा किसका इलाज है, लीवर ट्रांसप्लांट होता है, वो कह रहे हैं कि बस इलाज ही नहीं है। मैंने पता नहीं कहाँ पढ़ा कि सुना था कि डॉक्टर्स जो होते हैं ना, यानी कि यहाँ के डॉक्टर्स जो होते हैं, इनके अंदर एक आदत है, ये इंसान इनके नज़दीक जैसा लगता है इंसानी जान की कोई वैल्यू नहीं है। आपने देखा है कि अगर कोई मर भी रहा है, किसी के साथ कुछ हो भी रहा है, इतनी लंबी लंबी भीड़ें, इतनी लंबी लंबी लाइनें, इतना कुछ है, तो उसके बाद भी वो मेल्ट नहीं होते, पिघलते नहीं,
प्रोफेशनली आपसे बात करते हैं, अगर फॉर सपोज किसी बात कड़क तरीके से, हाँ कड़क तरीके से रफली कि अगर 2.5 लाख की कोई सर्जरी है, 3 लाख की कोई सर्जरी है, और अगर आप थोड़ा सा भी फेवर मांगो ना उनसे कितने ये हमारा हेडेक नहीं है, फिर आप उठाएं मरीज लेकर जाएं कहीं और, बिल्कुल रूडली बात करते हैं। हाँ रूडली बात करते हैं, ये कि आप बता सको कि आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, राहें बता दें। सबसे अच्छा जुमला इनका ये लगा कि जब डॉक्टर उनके कंधे पे हाथ मारते थे, आधी टेंशन तो वैसे यकीन करें आप। अच्छा मैं अपने बचपन की एक बात बताऊँ, मैं बहुत इस बात पे हैरान हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप ठीक हो जाएंगे तो या आपको लगता है कि जब मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्चा, अगर आपको लगता है कि आप मतलब कि सही जगह पर हैं, आप 50% ठीक हो जाते हैं, बल्कि 90% का होगा। होता ये था, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में जब मुझे बुखार होता था ना, तो घर में मुझे बुखार हो रहा, मेरा जिस्म तप रहा है, आप यकीन करें डॉक्टर के क्लिनिक में बैठकर मैं ठीक हो जाता था। मतलब मैं वहाँ मौजूद होता था ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस जगह आ गया हूँ जहाँ मुझे ठीक होना है। अच्छा मुझे आपकी बात से ना एक बात याद आ रही है, सोनू शर्मा की आपने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो कहता है कि एक मरीज, वो एक कैदी था जो मरने वाला था, तो फिर वो उसको सांप, वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको तो वैसे ही 2-4 दिन के बाद मरना है, आपकी तो फांसी है, तो हम आप कहकर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और ये मौत बहुत आसानी वाली होगी, तुम्हें फांसी नहीं लगेगी। तो उसमें वो सारा दिमाग का खेल होता है, तो वो उसको सांप से नहीं कटवाता, और लेकिन ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें सांप से कटवाने वाले हैं, बिल्कुल। तो अब उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और वो सिर्फ एक सुई चुभाता है उसे, ठीक है, दिमाग का खेल है, और वो मर जाता है उस सुई से, जबकि सुई चुभ जाती तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। और फिर जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसकी बॉडी में से सांप का जहर ही मिलता है, निकलता है, क्योंकि उसके दिमाग ने वो जहर बना लिया, बना लिया, क्योंकि पहले उनके जहन कानों में ये बात डाली गई, आपको हम सांप का डसेंगे, सांप डसाएंगे, बिल्कुल। तो उसके दिमाग ने वो चीज़ बिल्ड कर ली। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से किसी से पेश आते हैं, एक मरने वाले का भी हाथ पकड़ते हैं, उसके कंधे पे हाथ, तुम जो मैं कहता हूँ खतरनाक से खतरनाक बीमारी, वो जी उठेगा, वो जी जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पिछले दिनों में एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था जिसमें एक लड़का जिसके मुंह हार्ट काट, इंडियन हार्ट, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी है, और ये स्टोरी देखें, अच्छा कितनी दिल से वो तारीफ कर रहे हैं हॉस्पिटल के अमले की, अपने हाथ से वो खाना। डॉक्टर्स बड़ी प्यारी चीज़ है, मतलब मैं ये कहूँगी ये अजीब सा लग रहा है मुझे बोलते हुए चीज़, लेकिन अब तक मैंने जितना सीखा है ना, इंडियन डॉक्टर बहुत प्यारी चीज़ है, मतलब वो इतने प्यारे हैं कि वो ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तानी से है, ये बांग्लादेश से, वो ये देखते हैं कि हमारे कर्तव्य है, बिल्कुल हम डॉक्टर हैं, हमारा फ़र्ज है लोगों को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, उनकी जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बीमारियों उनको दूर करना, जो भी हो सकेगा, जो भी बन पड़ेगा, हम जितना अपनी आवाम के लिए करेंगे उतना उससे बढ़कर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, उससे बढ़ के करते हैं, मेहमान समझ कर शायद। अच्छा पता है आपको डॉक्टर की तालीम में भी मैं कहता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है उनकी तालीम में भी कि आपका फ़र्ज़ है किसी को बचाना, आपका फ़र्ज़ है किसी का इलाज करना। आप मुझे कहेंगे मैं एक हफ्ते में मर जाऊँगी, मैं आपकी बात पर इतना बिलीव नहीं करूँगी, मुझे बस ये तो बोलते रहते हैं, मुझे तो काम ही है बोलना, लेकिन मैं फोर्स ऑफ अपनी तबीयत ख़राब हो और मैं किसी बहुत बड़े स्पेशलिस्ट के पास जाऊँ और वो मुझे कह देना कि हज़ीका आप एक हफ्ते में मर जाओगे, एक हफ्ते की बीमार, तो आप यकीन करें एक हफ्ता तो छोड़े, मैं एक दिन में ही मर जाऊँगी, ये सोच के कि मैं वाकई मर जाऊँगी, मैं जिंदा नहीं रहने वाली, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। आपने पिछली वीडियो में एक बात सुनी थी कि जब माँ से वो आवाज़ें दिलाई थी, मुझे वो बात हमेशा याद रहेगी, यानी कि इतनी इनकी नॉलेज या इनका इतना बिलीव, इतना एक्सपीरियंस इंसान की दूसरी शक्ति पर भी, यानी कि प्यार पर भी, आपके बच्चे के कान में अगर माँ की आवाज़ जाएगी तो शायद उम्मीद, मैं कहता हूँ ये डॉक्टरी से बढ़ के एक इल्म है। अच्छा फिर दूसरी चीज़ है कि वो जो उसे तसल्ली दे रहा है कि जिगर ट्रांसप्लांट हुआ जिनका, वो कह रहा है कि जब वो मुझे यूँ कंधे पे हाथ रखते थे तो मैं सही हो, मुझे मतलब यार ये चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, तो भगवान का रूप कहा गया है, मैं कह रहा हूँ को तो ऐसे ही तो नहीं कहा गया ना। अच्छा वो जो किताब पढ़ाई जा रही है इंडिया में, तो 2-4 किताबें यहाँ क्यों नहीं भेज रहे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि डॉक्टर ये है या डॉक्टर का फ़र्ज़ ये है। अच्छा वो आपको मैंने यहाँ पे देखा है डॉक्टर का बिहेवियर इतना रूड है ना, इतना रूड है कि अगर आप छोटे से बच्चे को भी लेके जाओगे तो वो उसको भी डांट देते हैं, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, मतलब पोलाइटनेस आपको दिखती ही नहीं है। आपको पता है डॉक्टर क्लिनिकों में जो डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में बैठते हैं, आपको मतलब अंदाज़ा होगा या नहीं होगा, यहाँ पर आते हैं मेडिकल रैप वाले, मेडिकल रैप वालों के पास लोकल मेडिसन्स होती हैं, बैग भरे हुए होते हैं। अच्छा। वो फिर डॉक्टर से डील करते हैं, मैं आपको बताऊँ आप हैरान हो जाएंगे,
वो डॉक्टर को एडवांस जो पहले तो सबसे पहले तो क्लिनिक देखते हैं, बहुत पुराने पुराने क्लिनिक होते हैं इलाकों में, 40 साल हो गए, 35 साल हो गए, कम से कम इससे कम डॉक्टर नहीं होते, पुराने पुराने डॉक्टर बैठे होते, जम चुके होते इलाके में, बिल्कुल। तो उस इलाके के डॉक्टर के पास मेडिकल रैप वाले जाते हैं, उसको एडवांस में जो चाहिए वो देते हैं, जितना उस डॉक्टर की वर्थ है, जितना उस पेशेंट का रश है, क्लिनिक में रश लगा है। मैं ऊपर से आता हूँ कि मैक्सिमम वो क्या देते हैं, फ्लैट, गाड़ियाँ, बाइक, जो चाहिए डॉक्टर को वो दे सकते हैं, उसके बदले में बाकायदा वो लिखवाते हैं और कई कई लाख का माल जो है ना बराबर मेडिकल में रखवाते हैं। वो डॉक्टर धड़ाधड़ लिखता रहता है, उनका वो उधार उतारता रहता है। डॉक्टर ने कार तो उनसे परचेज कर ली, फ्री में ले ली। अब वो कार उतारने के चक्कर में उसे इतने लाख का माल निकालना है, एक बंदे को उस मेडिसिन की ज़रूरत है नहीं है, हर दूसरे तीसरे को लिख रहा है। और बाकायदा वो पता है क्या कहता है डॉक्टर, बराबर मेडिकल से या फलाने मेडिकल से सामने से लेके मुझे चेक कराओ। चेक कराने का क्या मकसद होता है, ताकि डॉक्टर को यकीन आ जाए वो ले, और पेशेंट ये ना कहे कि मैं घर जाके अपने मोहल्ले में जाके कहीं से ले लूँगा, देख लूँगा। वो बाकायदा डॉक्टर कहता है मुझे चेक करा के लाओ, मैं आपको ध्यान उससे थोड़ा सा यकीन हो जाता है कि ये बंदा वहीं से ले ले। तो अच्छा, वो मेडिसिन कहीं और मिलती भी नहीं है। अच्छा। वो एरिया वाइज एक सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का चक्कर होता है। तो बिजनेस, डॉक्टरी एक बिजनेस बन चुका है, डॉक्टर ने यूँ समझ लो। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है, आपको आटा दाल चीनी लेनी है, आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, दो किलो ले दो, तीन किलो, ये तो ऐसा ऐसा गड़बड़ वाला मामला है कि जो डॉक्टर ने कहा है आपको वही लेना है, जितने का है उतने का ही लेना है। इस आप आटा लेंगी तो आपने जेब देखेंगी, 10 चीज़ें लेंगी आप अपना जेब देखेंगी, यार मुझे ये लेना है नहीं लेना चाहिए, मर्ज़ी है मेरी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, आप देखिए दुनिया जहाँ की चीज़ें लें, कपड़ा लें आप उसके अंदर डिस्काउंट करवाते हैं, देखिए ना, कोई भी चीज़ लें, ग्रॉसरीज लें आप उसमें डिस्काउंट करवाते हैं, नहीं पालक की इतने की नहीं, टमाटर इतने की नहीं, इतने के दो। मैंने देखा मेडिसिन में कभी कोई डिस्काउंट नहीं करवा रहा होता है, बिल्कुल, ये 10 की तो मुझे 5 की दे दो, ये 7 की तो मुझे 6 की दे दो। अच्छा, डॉक्टर ने लिखी है 8 दवाइयाँ, आप उसमें 5 लेके दिखाएं, नहीं आपको 8 ही, क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने लिखी है। अब उसमें से 5 बेकार हैं, वो उनकी कार उतर रही है, उनकी बाइक उतर रही है, उन्होंने कहीं दुबई का टिकट लिया हुआ है फैमिली के साथ घूमने फिरने का, वो उतर रहा है। मतलब मैं देख देख के मैं हैरान होता था कि यार ये हो क्या रहा है, इंसान की ज़िंदगी के साथ खेला जा रहा है, आप उसे केमिकल खिला रहे हैं। अच्छा, तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं पाकिस्तान में हो रहा है, तो वहाँ पे भी तो ये सब सिस्टम होना चाहिए, होता होगा। देखो मैं तो, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ क्या रखा, इंसानियत को रखा, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने इंसान। अच्छा, ये दूसरा केस हमारे सामने आया इंडियन डॉक्टर्स का, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखें, और कितने केसेस ऐसे होंगे जो हमारी नज़र से अभी गुजरे भी नहीं है, बहुत होंगे। अच्छा, वो वाली स्टोरी जो थी बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त थी, पाकिस्तानी हार्ट, पाकिस्तानी बॉय, पाकिस्तानी हैज़ एन इंडियन हार्ट। तो मुझे मेरा जब वो मैंने पूरी स्टोरी उनकी सुनी ना, जब वो सुना रहे थे तो वो पिक्चराइजेशन मेरे जहन में चल रही थी, कि अब वो माँ बाप बैठे हुए, डॉक्टर आएगा तो हम इसे सलाम करें, तो डॉक्टर आके सलामी नमस्ते करेंगे, क्या कहें, मतलब उस समय कश्मकश में थे, नमस्ते करें सलाम करें, तो उनमें आगे से सलाम। तो एक सीन ये हो गया, एक सीन हो गया कि जो वो पार्किंग में खड़े होते थे, फिर एक सीन हो गया कि माँ को बुलाया तो आप इन्हें आवाज़ दें, छोटे छोटे सीन हैं। पहला सीन ये हो गया कि वो डॉक्टर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप यहाँ कॉन्टेक्ट करें, तो मैं पूरी उसको सोचता हूँ कभी कभी कि प्रॉपर एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है। मेरे जहन में है कि मुझे जैसे ही मौका मिला मैं प्रॉपर उसको स्टोरी शूट करने का माइंड है मेरा, सही। ये मेरा दिल करता ऐसे है कि प्रॉपरली एक इंडियन डॉक्टर और फिर पाकिस्तानी फैमिली प्रॉपर, ऐसा मेरा दिल कर, मज़ेदार, बहुत अच्छा रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो, और मैं चाह रहा था कि वो प्रॉपर एक वीडियो की शक्ल में, मेरा एक दिल है कि मैं उसे शूट करूं प्रॉपर अच्छे तरीके से, और ज़्यादातर हॉस्पिटल की सीन है, पहले उसकी कैलकुलेशन शुरू कर दी थी कि क्या लगना है इसमें इसमें हॉस्पिटल का सीन है, एक माँ और बाप चाहिए, छोटा बच्चा चाहिए, ये चाहिए, एक डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर कैसा हो ऐसा हो। तो खैर, एक बड़ी खुशी हुई थी वो देखकर, मेरा दिल कर रहा था कि वो वीडियो की शक्ल में तो होना। फिर अब तो इंडियन डॉक्टर्स को लेकर हमारे दिल में इतना मतलब एक प्यार, एक रिस्पेक्ट बढ़ गई है, तो एक वर्ड, फरिश्ते। फरिश्ते, मैं कहूँगा कि वो ज़मीन पर फरिश्ते हैं इंडियन डॉक्टर्स, जिस तरीके से वो लोगों की खिदमत, जिस तरीके से उनका, अच्छा ये हमें आप नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहा, ये हमें वो बंदा कह रहा है जिनके साथ बीती है। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं, नर्स, वो मुझे मतलब इस तरीके से मेरी टैक्स कमाल, माँ की गोद,
खुला हाथ से खाना वर्ड तो देखें, वर्ड का चुनाव देखें। मुझे हमेशा से सबसे मुश्किल चीज लगती है कि मैं क्या वर्ड का चुनाव कैसे करूं। जिससे फीलिंग से गुजरती है ना, जो जो एक्सपीरियंस करता है तो उसके मुंह से ऑटोमेटिकली मुझे लगता है कि वर्ड्स निकलते हैं कमाल तारीफ के लिए। वो तारीफ का एक वो जो कलमा था ना कि माँ की गोद, अब मैं इससे बढ़कर क्या कहूँ, इससे बढ़कर क्या कहूँ। समझने वाले समझ जाए कि कितना वो केयर कर रहे थे, माँ से ज़्यादा कौन केयर करे, कौन कर सकता है। बहुत कमाल की वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त, और मैं जितनी इज्जत मेरे दिल में पहले थी मजीद रिस्पेक्ट बढ़ गई इंडिया से। अच्छा, पहले जितनी थी उससे बढ़ने मुझे लग रहा था वही बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम था, मजीद बढ़ लेकिन मजीद बढ़ गया कि अच्छा एक कोई एक दो डॉक्टर अच्छे होंगे यहाँ तो, मैंने मतलब उनकी नेचर में ही शामिल। अच्छा, कुछ केसेस है जो हमारी नज़रों से गुजर गए, पता नहीं कहीं, पता नहीं कितने। खैर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो दोस्तों, जितना दिल कर रहा है कि बस बोलते जाए लेकिन पता नहीं आप हमें कितना बर्दाश्त करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी तक देख भी रही होगी कि नहीं देख रही होंगे, नहीं नहीं, हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे, हमें पूरा सुनते हैं। जिन्होंने आप कह रहे थे स्किप करके देखते हैं, जिन्होंने हमें यहाँ तक, मुझे शिकायत हो रही थी हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे स्टार्टिंग का स्किप करके देखते हैं, देखो जिन्होंने हमें यहाँ तक देखा है तो एक मरतबा फुल वीडियो का कमेंट कर दें कि फुल वीडियो जब आप कहेंगे तो इसका मतलब आपने हमारी नेक्स्ट टाइम से इनकी बातें यकीन नहीं करूंगी, हमारी आपने वीडियो विदाउट स्किप देखी है और फुल वीडियो देखी है तो कमेंट कर लें फुल वीडियो। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।